हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन को और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने टेलीग्राम ऐप पे यूके स्टडी सर्कल सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर डिफेंस हब बनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए लेंसडाउन, बी देहरादून, सी पिथौरागढ़ या डी हल्द्वानी। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में देहरादून में डिफेंस हब बनाया जाना है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगी होने के कारण उत्तराखंड सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए उत्तराखंड के देहरादून में डिफेंस हब बनाए जाने की योजना है। उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल को डिफेंस हब के लिए जमीन तलाशने का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तराखंड के सीमांत जिलों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में एयर डिफेंस राडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए वायुसेना भी जमीन की तलाश कर रही है। इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और एयर मार्शल के बीच हाल ही में वार्ता पूरी हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड में सैन्य उपकरणों के उत्पादन हेतु डिफेंस उद्यम पॉलिसी भी तैयार की गई है और सैन्य उपकरणों के उत्पादन में उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण राज्य में लौट रहे प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए PMEGP, बी PSY, सी MSY या डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी MSY, यानी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को पहले उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे कोविड-19 के कारण राज्य में लौटने वाले प्रवासी बेरोजगारों के लिए भी विस्तार दिया गया है। इस योजना के तहत विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों और व्यापार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है तथा उसमें सब्सिडी भी दी जाती है और इस योजना के तहत अभी तक 43 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया जा चुका है विभिन्न बैंकों के माध्यम से। MSY में विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में लगभग 10-25% तक का अनुदान भी प्रदान किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए परियोजना की लागत सीमा 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, टिहरी जिले के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल को कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए आपदा प्रबंधन, बी कोविड-19, सी प्रधानमंत्री कार्यालय या डी सचिवालय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल को प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के लिए 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। मंगेश 2012 बैच के IAS अधिकारी हैं और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी रहने के दौरान केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में इनके द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गई है। फेम इंडिया मैगजीन में प्रेरक जिलाधिकारी की श्रेणी में मंगेश को सबसे लोकप्रिय जिलाधिकारी के रूप में चुना गया है। मंगेश के साथ ही रघुराज राजेंद्र को PMO में डायरेक्टर और आम्रपाली कटा को डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, बी न्यायमूर्ति RC खुलवे, सी न्यायमूर्ति RV मलिमथ या फिर डी न्यायमूर्ति MS धानिक। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति RV मलिमथ। न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ 28 जुलाई 2020 से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ACJ यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में की गई थी और यह देश का 20वां उच्च न्यायालय है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभयेंद्र देसाई। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं कि उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में दिया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इनकी सेवानिवृत्ति का समय 65 वर्ष की आयु तक है। फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होता है, यानी उच्च न्यायालय में दिए गए किसी फैसले को अभिलेख के तौर पर रखा जाता है और किसी अन्य केस के फैसले में उसे आधार के तौर पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? इसके ऑप्शन हैं ए 9वें, बी 12वें, सी 20वें या डी 15वें। फ्रेंड्स, इस रैंकिंग में उत्तराखंड का 9वां स्थान है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 2018 की रैंकिंग के मुकाबले 2019 की उत्तराखंड की स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार है। 2018 में उत्तराखंड इमर्जिंग श्रेणी यानी उभरती श्रेणी में था, जो कि सबसे निचली श्रेणी है। इस बार अपग्रेड होकर 2019 में उत्तराखंड एस्पायरिंग श्रेणी में स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है और इस बार स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड का 9वां स्थान है। उत्तराखंड में वर्तमान में 350 स्टार्टअप हैं, जिसमें से 280 केंद्र सरकार से और 70 राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु उद्यमियों को इस बार बहुत सी सहूलियतें दी गई थी, जिस कारण इसकी रैंकिंग में सुधार आया है। स्टार्टअप की बेस्ट परफॉर्मेंस श्रेणी में गुजरात और अंडमान निकोबार तथा टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी में कर्नाटक और केरल राज्य रहे हैं। अगला सवाल है, मनरेगा मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए मनमोहन सिंह, बी रघुवंश प्रसाद सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, मनरेगा मैन के नाम से रघुवंश प्रसाद सिंह को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह मनरेगा मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्हें राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। हाल ही में 13 सितंबर को दिल्ली में एम्स में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। रघुवंश प्रसाद का जन्म 6 जनवरी 1946 को हुआ था और 1977 से 1990 तक ये बिहार से विधायक रहे। 1996 में पहली बार बिहार के वैशाली से सांसद चुने गए और 2009 तक सांसद बने रहे। मनरेगा को शुरू करने में इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें मनरेगा मैन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं कि मनरेगा, जिसे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, तो नरेगा एक्ट सितंबर 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पास हुआ था और रघुवंश प्रसाद तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे। मनरेगा एक्ट 2 फरवरी 2006 से शुरू हुआ था। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में होड़ चल रही थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा। 8 सितंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मंजूरी के बाद शिक्षा सचिव द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई और 41 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन इसके सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कर दिया गया। शिक्षा मंत्री को इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर। फ्रेंड्स, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये 34 साल बाद इसमें बहुत बड़ा बदलाव के साथ ये आई है। इससे पहले 1986 में जो शिक्षा नीति थी, उसके बाद ये शिक्षा नीति आई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल द्वारा बनाया गया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से इसे देख सकते हैं या फिर आप इसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बर्निंग करंट टॉपिक से भी देख सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया, आपने बताना है कि वे किस क्षेत्र से जुड़े थे। इसके ऑप्शंस हैं ए सामाजिक कार्यकर्ता, बी आर्य समाज के नेता, सी एक राजनेता या फिर डी उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्वामी अग्निवेश आर्य समाज के प्रतिष्ठित और एक क्रांतिकारी नेता रहे हैं जो कि सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते रहे। 1970 में इनके द्वारा एक राजनीतिक पार्टी आर्य सभा की स्थापना की गई। 1977 में ये हरियाणा से विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। 1981 में इन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा संगठन की स्थापना की। 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी ये शामिल रहे और इनके द्वारा रियलिटी शो बिग बॉस में भी प्रतिभाग किया गया था। हाल ही में लिवर सिरोसिस से पीड़ित होने के कारण 81 वर्ष की आयु में 11 सितंबर को इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी द्वारा भारत में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स प्रदान करने की पहल शुरू की गई है। इसके ऑप्शंस हैं ए इंफोसिस, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी APF या डी अमेजॉन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स कंपनी के सहयोग से भारत में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल प्रदान करने की पहल हाल ही में शुरू की गई है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में किसने US ओपन 2020 का विमेंस सिंगल्स टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके ऑप्शंस हैं ए विक्टोरिया एजानेका, बी सेरेना विलियम्स, सी एस्ले बार्टी या डी नाओमी ओसाका। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। US ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2020 का विमेंस सिंगल्स का खिताब जापानी खिलाड़ी नाओमी ओसाका के नाम रहा। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया एंजारेका को हराया। इस जीत के साथ ओसाका वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गई हैं। वर्तमान में पहले नंबर पर हैं विमेंस सिंगल्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी। और ओसाका 2 US ओपन ग्रैंड स्लैम के साथ ओवरऑल 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। US ओपन 2020 का मेंस सिंगल्स का खिताब ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने जीता। उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेव को हराया। फ्रेंड्स अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था पाथा क्या है। और हमारे व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं आशुतोष नेगी, वर्षा भंडारी, भावेश गतोड़ी, राहुल नेगी, मनोज जोशी, सुनील बिस्ट, जगदीश तिवारी, हेमा थवाल, प्रीति नेगी, अमित नेगी, प्रिया ओली, विकराज सिंह, इतेंद्र सिंह, जीवन जोशी, दीपक भट्ट, हिमांशु कलोनी, मंजीत बिस्ट और लर्न कैन। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और UK स्टडी सर्कल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन। पाथा अनाज नापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला धातु का बना हुआ बर्तन होता था और एक पाथा लगभग 2 किलोग्राम अनाज के बराबर होता है। इसके अलावा मुट्ठी, शेर, कुड़ी, मण आदि भी अनाज की मात्रा नापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पारंपरिक इकाइयां हैं। फ्रेंड्स अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसके ऑप्शन हैं ए तापीय ऊर्जा, बी प्राकृतिक गैस, सी जल विद्युत ऊर्जा या डी भूतापीय ऊर्जा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।